हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी केक की रेसिपी जिसे बनाने के लिए हमें ना तो कोकोआ पाउडर की ज़रूरत है, ना बेकिंग पाउडर की, ना बेकिंग सोडा, और ना दही, और ना ही ऑयल या फिर बटर की। इन सभी में से हम किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। और जो केक बनेगा ना, वो आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। तो चलिए, आज हम सिर्फ चार चीज़ों से केक बनाएंगे। तो वीडियो देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का कोई भी बर्तन, या फिर आप इसकी जगह पे कढ़ाई ले सकते हैं या फिर कुकर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर इस नमक को देखकर आप ये मत कहिएगा कि पता नहीं कहाँ से नमक उठाकर लाई हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस नमक को मैंने बार बार यूज किया है, मतलब इससे बहुत बार केक बनाया है मैंने। नमक वैसे खराब नहीं होता है, अगर आपने एक बार केक बना लिया ना तो आप इसे बार बार बना सकते हैं। इसे आप डब्बे में भर कर रख दीजिएगा। तो अब हम इस नमक को इसमें डाल देंगे और इसके चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। और उसके बाद इसमें लगाएंगे स्टैंड इस प्रकार का। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है ना, तो आप क्या करें कि एक कटोरी ले लीजिए और उसको इसमें पलट के रख दीजिएगा, और उस पर भी आप आसानी से केक बना सकते हैं। और अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे प्री हीट होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। जब तक ये गर्म होगा ना, तब तक हम इस केक के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अभी हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम जल्दी जल्दी अपना केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है इस तरीके का, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का केक टिन नहीं है ना फ्रेंड्स, तो आप टेंशन ना लीजिए। आपके पास अगर कोई भी स्टील का बर्तन हो ना, इस तरीके का चौड़े मुंह वाला, तो आप उसमें भी आसानी से केक बना सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो अब हम इस केक टिन को ग्रीस करेंगे ऑयल से। तो थोड़ा सा ऑयल डालकर इसके चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको चारों तरफ मैदे से कोट कर लेंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा लेयर बन जाएगा जो कि बटर पेपर का काम करेगा। बिना बटर पेपर के ही केक बहुत आसानी से बन जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से इस मैदे को चारों तरफ कोट कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ना, इसको हम अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर केक टिन भी अच्छे से तैयार है, तो इसे साइड में रख देते हैं और बैटर बना लेते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए हम ले लेंगे इस तरीके का एक मिक्सिंग बाउल, और उसमें डालेंगे यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि हम कोकोआ पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं, कॉफ़ी पाउडर से ही केक बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। ये घर का चम्मच है, खाने वाला चम्मच, जिसे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं नॉर्मल, वही वाला है, उसी से लेना है 2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर। तो जो ये 2 रुपए वाला ये पैकेट आता है ना कॉफ़ी का, इसी को आप 4 पैकेट ले लीजिए, तो 2 चम्मच हो जाता है। तो हम डाल देंगे कॉफ़ी पाउडर को इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं इस कटोरी से आधा कटोरी चीनी ले रही हूँ। इसी कटोरी से मैं सारा मेजरमेंट करूंगी, तो आप भी कोई एक बर्तन सेट कर लीजिएगा और उसी से सारा मेजरमेंट कीजिएगा, तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम दूध। तो यहाँ पे दूध इतना गरम है कि आप मतलब इसको आसानी से पी सकते हैं, आपका जीभ मुंह कुछ भी जलेगा नहीं, ऐसा लेना है दूध। तो इस तरीके से ये गरम है, ये देखिए मैं उंगली डाल रही हूँ, मतलब फिर भी उतना नहीं जल रहा है। तो इसी तरीके का दूध गरम लेना है। गरम दूध डालकर जब हम केक बनाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बिना ऑयल के ही और बिना बटर के ही, हमें बटर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से गरम दूध हम इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध गरम है इसलिए चीनी जल्दी से इसमें घुल जाएगा, इसमें चीनी का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने गरम दूध का यूज किया है, तो चीनी आसानी से इसमें घुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, चीनी अच्छे से घुल गया है इसमें, और अभी भी ये दूध थोड़ा थोड़ा गर्म है, गुनगुना है मतलब, तो इसी तरीके का रहना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैं उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ, और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे, छान कर ही इसमें डालेंगे, ऐसे मत डालिएगा मैदा को। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करना है इस तरीके से। आप स्पून की मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये अभी गाढ़ा है, इतना गाढ़ा बैटर हमें नहीं बनाना है,
तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी कटोरी से, आधा कटोरी से भी आधा कटोरी में दूध इसमें डाल रही हूँ, मतलब कि चौथाई भाग कटोरी का दूध इसमें और डालेंगे। और अब हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरीके का बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसका बैटर नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे इस तरीके का। आप देख लीजिए किस तरीके का है, मैं इस ऊपर से गिरा रही हूँ, तो ये देखिए किस तरीके से गिर रहा है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब केक को फुलाने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, क्योंकि हम ना तो बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और ना ही बेकिंग पाउडर, तो उसकी जगह पे हम डालेंगे इनो। तो यहाँ पर हम इनो का एक पैकेट डालेंगे जो लेमन फ्लेवर का है। तो सारा पाउडर इसमें डाल देंगे इनो का, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये देखिए झाग की तरह बनने लगा है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बीट नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे फटाफट से इस केक टिन में डाल देते हैं, और इसे 2 से 3 बार इस तरीके से टैप टैप करेंगे। ज़्यादा टैप टैप नहीं करना है, बस 2 से 3 बार ही करना है। तो अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ, क्योंकि वहाँ हमने रखा था अपने देसी ओवन को हीट होने के लिए। और यहाँ पर ये अच्छे से हीट हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे से। तो एक बार इसका टेम्परेचर जरूर चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से हीट इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से हीट आ रहा है, मैं इसके ऊपर हाथ रख कर चेक कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से हीट आ रहा है। तो अब हम इस केक टिन वाले बैटर को इसमें सावधानी से रखेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और अब इसे हम कवर कर देंगे बेक होने के लिए। तो इसे 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देना है बेक होने के लिए। तो इसे कवर करके छोड़ देंगे बेक होने के लिए। और बीच बीच में इसको बार बार चेक नहीं करना है, मतलब जब भी आपको चेक करना हो ना, तो 35 मिनट के बाद ही इसको चेक कीजिएगा। बार बार चेक करने से क्या होता है कि केक जो है ना बीच से बैठ जाता है, अच्छे से नहीं फूल पाता है। तो इसलिए इसको बार बार मत चेक कीजिएगा। तो मैंने इसे इस तरीके के लीड से कवर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा होल है, तो हम इसे भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे और इसे बेक होने देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ इसे 35 से 40 मिनट के बाद, बेक होने के बाद दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए केक बहुत अच्छे से फूल गया है। ऊपर से ये बिल्कुल ड्राई लग रहा है, लेकिन हम फिर भी इसे चेक करेंगे नाइफ की मदद से। तो बीच में इसको इस तरीके से डालेंगे और देख लेंगे कि मतलब केक इसमें चिपक रहा है या नहीं। तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं सावधानी से, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक नाइफ की मदद से हम इस तरीके से इसके साइड को निकाल लेंगे, जिससे कि आसानी से निकल जाएगा केक। और एक प्लेट को ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से पलट लेंगे, और ये देखिए केक बहुत आसानी से इसमें से निकल गया है। और ये देखिए कितना बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और आप इसमें बनी हुई जाली को भी देख सकते हैं, कितना अच्छा जाली बना हुआ है इसमें। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं, और कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आपने देखा ना दोस्तों कि हमने बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा, बिना ऑयल, दही कुछ भी नहीं डाला है मतलब, और केक कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो आपने पहले कभी इस तरीके से केक बनाया है या नहीं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।